लेकिन गाड़ियों का कलर कौन से जोडी के लिए अच्छा है ये प्लीज बताएं, और क्या बरकतें मिलती हैं ऐसे कलर रखने से? ये कि उनको ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में रेड कलर का इस्तेमाल करना है, आम लाइफ में भी, लेकिन कार में खसूसन अगर वो करेंगे तो ये इनके लिए बेहतर गिना जाएगा। वैसे आपको पता है कि 9 नंबर की कार जिसका रूलिंग प्लैनेट मार्स हो, उसके एक्सीडेंट के हमने बताया था कि चांसेस ज्यादा हो। कार इनको काम रखेगी और अफ्लुएंट रखेगी, और इनकी जो ड्राइव है उसको मजीद खूबसूरत बनाएगी बेसिकली। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, और आपको पता है एस्ट्रोलॉजर बहुत जबरदस्त हैं। आज का मौजू बहुत जबरदस्त है, इन्होंने हमें घर के हवाले से बताया, इन्होंने हमें कलर्स के हवाले से बताया, लेकिन आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो कौन से जोड़ी के लिए कौन सी गाड़ी का कलर अच्छा होता है, अगर वो गाड़ी का कलर उस तरह का रखेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो यही बात हम जानेंगे मोहम्मद उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस जबरदस्त, आप सुनाए? शुक्र अल्लाह का, बहुत जबरदस्त। आज का मौजू है हमारा गाड़ियों के कलर के हवाले से, बहुत से लोग घर के दरवाजों के कलर का भी पूछते हैं, लेकिन ये एक यूनिक टॉपिक है, इस पर भी चाहूंगा रिसर्च करें, लेकिन गाड़ियों का कलर कौन से जोड़ी के लिए अच्छा है ये प्लीज बताएं, और क्या बरकतें मिलती हैं ऐसे कलर रखने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लें कि हर एक प्लैनेट किसी उसको रूल कर रहा है, तो बेसिकली जिन कलर्स को वो रूल करता है वो उसके जो पीपल जिनको वो रूल करता है उन सब के लिए आपस में वो कलर सूटेबल या कहें कि लकी माने जाते हैं। अब सबसे पहले अगर एरीज की बात करें तो एरीज का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और इसको रेड कलर के सारे शेड जो है वो सूट करेंगे, तो एरीज वालों को चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में रेड कलर का इस्तेमाल करना है, आम लाइफ में भी, लेकिन कार में खसूसन अगर वो करेंगे तो ये इनके लिए बेहतर गिना जाएगा। वैसे आपको पता है कि 9 नंबर की कार जिसका रूलिंग प्लैनेट मार्स हो, उसके एक्सीडेंट के हमने बताया था कि चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अब एरीज एज ए जोडिक आपका है तो रूलिंग प्लैनेट मार्स ही, क्योंकि एरीज वालों के एक्सीडेंट या इसके खतरात मौजूद रहेंगे, इनकी इंजरीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इनके सर पे चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, फंटास्टिक एक्चुअली होते हैं, लेकिन इनको जो फायर है, आग है, रेड चीजें हैं, ये इनके मिजाज को जैसे कहते हैं ना ताकत देती हैं, तकवीर बख्शती हैं, और इससे ये ज्यादा खुशबाश रहेंगे। तो बेसिकली रेड मैरून के जो भी शेड्स हैं वो बेसिकली इनको सूट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें जो नेक्स्ट जोडिक टॉरस, टॉरस वालों के लिए ग्रीन या ग्रीन से मिलते हुए शेड वो इनके लिए सूटेबल होंगे। टॉरस को वीनस रूल करता है, ब्यूटी का होता है, आपको पता है अमारत का होता है, ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, और ग्रीन कलर बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो डेवलपमेंट सिक्योरिटी को करता है, और ग्रीन कलर इनको जो है इनको जैसे कहते हैं कि ग्रीन कलर की कार इनको काम रखेगी और अफ्लुएंट रखेगी, और इनकी जो ड्राइव है उसको मजीद खूबसूरत बनाएगी बेसिकली। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है टॉरस के लिए सूटेबल है। उसके बाद अगर बात करें जेमिनी की, तो जेमिनी के लिए येलो कलर सूटेबल है। येलो कलर जो है मरकरी जेमिनी को रूल करता है, स्पीड इसकी स्पीच या इंटेलिजेंस बेसिकली उसको माना जाता है रूलिंग प्लैनेट, और इसी तरीके से ये येलो चेयरफुल कलर है बेसिकली, और येलो कार जो है वो इनकी जो वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है और इनको जो दिमागी मेंटल स्टिमुलेशन और एजिलिटी एजाइल करेगी बेसिकली, अगर जेमिनी जो है वो येलो या येलो से कलर, वैसे तो वो येलो कैप वो लगेगा जैसे टैक्सी है, लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि येलो के डिफरेंट शेड्स भी हो सकते हैं, आप कंफर्टेबल तब भी होंगे जब आप अपने उस कलर को चूज करेंगे, इसमें गोल्डन कलर भी शायद इसमें यूज किया जा सकता होगा। कैंसर के लिए सिल्वर कलर जबरदस्त रहेगा,
इनका रूलिंग प्लैनेट कैंसेरियन का मून होता है और इसमें मसला ये आता है कि ये लोग बहुत ज्यादा मूडी और जैसे कहते हैं कि मूड डिसऑर्डर के उसमें होते हैं और ये जो सिल्वर कार जो है वो उनको तहफुज का एहसास देगी, फील ऑफ जो सिक्योरिटी फराहम करेगी और यानी ग्रे भी हो सकती है जो, जी ग्रे कलर की जो कार है वो इनको फील ऑफ सिक्योरिटी देगी, इनकी इंट्यूशंस को बूस्ट करेगी और इनको जो है बहुत ज्यादा अलर्ट करेगी अपने इर्द गिर्द से सराउंडिंग से और इनको एक सेफ ड्राइवर बनाएगी या बनाने में मददगार साबित होगी। उसके बाद लियो के लिए गोल्ड कलर, सन का नंबर है बेसिकली, सन रूलिंग नंबर क्या है, सन रूलिंग रूल करता है लियो को, उसके लिए गोल्ड कलर गोल्डन कार जो है वो सूट करेगी, ये यूज करेंगे। इनकी जो रॉयल शाही नेचर है उसको अच्छा जैसे कहते हैं एनर्जी भी देगी और इनकी जो शहाना नेचर है उसके मुताबिक इनको मजा भी देगी और इसी तरीके से इससे लियो को जो अट्रैक्ट करेंगे अटेंशन भी और रिस्पेक्ट भी। और इनको किंग जो, क्योंकि इसको इनको माना जाता है किंग ऑफ ज़ोडियक, तो बेसिकली लियोज जो है वो आपने देखा होगा लियो किंग के सेंस में आता है, लियो द किंग, और पुराने बादशाहों के ताज गोल्डन इसलिए होते थे या उनके ड्रेस अप गोल्डन, गोल्ड के सोने से रिलेटेड वो इसीलिए। तो लियो बेसिकली अगर हैं तो उनको गोल्ड कार जो है गोल्डन कलर की कार सूट करेगी। उसके बाद वर्गों की बात करें तो व्हाइट कलर वर्गों के लिए होगा, इनको बेसिकली जैसे कहते हैं क्लैरिटी देगा और इनको जो एक्सीलेंस चाहिए वो इनको इस कलर से ही मिल सकेगी और ये बहुत ज्यादा इनको मददगार साबित होगा, इनको फोकस इनका बेहतर करेगा और इससे ये ज्यादा फोकस्ड और सेफ ड्राइव कर पाएंगे अगर वर्गोस जो है वाइट कार में बैठेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि वर्गो बड़े नफीस होते हैं, बड़े मेन मेक निकालने वाले होते हैं, हर तरफ नाक चढ़ाई रखते हैं, अब किसी भी घर में हो तो बस सफाई सफाई और हर टाइम सफाई की धुन सवार, तो फिर इनके लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज क्या होगी कि सफेद गाड़ी है, क्योंकि दूसरी जितने भी कलर्स होंगे वो वैसे ही डार्क, आपको पता है गाड़ियां जल्दी गंदी लगती हैं। तो ये तो बस मेरा ख्याल है गाड़ी को साफ ही करते रहेंगे अगर वर्गो जो है कोई और कलर लें तो व्हाइट ही लेना चाहिए। लिब्रा के लिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर इनको बैलेंस देता है, एक सेंस ऑफ इनको जो पीस और ट्रस्ट देता है, एतमाद का कलर माना जाता है ब्लू। ब्लू पहन के अगर कोई आए या जाए या किसी को मिले तो वो एक एतमाद का इजहार होता है और लगता है कि ये इनको मोर रिलैक्स फील देती है और इनके ट्रिप्स को एंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बनाने में मददगार है, अच्छी वाइब्स देता है और ये जो इनकी जो बेसिकली जो इनकी मिजाज है लिब्राज का उसको ब्लू कलर की गाड़ी सूट करेगी और फिर ही वो अपने अंदर एक जैसे जस्टिस और ब्यूटी और तहफुज का एहसास वो ले पाएंगे अगर ब्लू कलर की लिब्रा कार में बैठेंगे। उसके बाद स्कॉर्पियंस के लिए काले रंग की गाड़ी जो है ब्लैक होनी चाहिए, ये बेसिकली आपको पता है सारे आपके डॉन भी हो सकते हैं, अस्करी भी डिफेंसिव भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन सारे तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा, इनका भी रूलिंग क्लाइंट मार्स है और लेकिन ये जो है इनको इनको पावर और मिस्ट्री जो है जो इनकी नेचर है ये मिस्ट्री, इसकी आठवां घर बेसिकली हिडन चीजों का होता है, छुपी हुई चीजों का, सडन गेन्स का सडन, तो इसलिए आठवें घर से ताल्लुक है तो फिर ब्लैक छुपा हुआ डार्क बेसिकली, इसलिए इनको डार्क ही सूट करेगा, काले रंग की कार इनको ज्यादा खुश करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसी से मिलेगी सेफ्टी एंड कम्फर्ट। तो अब उसके बाद आते हैं जो आपके सेजिटेरियंस हैं, सेजिटेरियंस ने पहना हुआ वो कलर आज जो इनके लिए सब जबरदस्त है, पर्पल कलर जो है उस कलर की कार सेजिटेरियन के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको बड़ी रेयर कलर में रखनी होगी अगर इनको इसको एंजॉय करना है तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का, क्रिएटिविटी का और पैशन का है। आज आपने भी पर्पल ही पहना हुआ है
basically ye purple hi Sagittarians ke liye main samajhta hu ke car ka color bhi yahi hona chahiye aur baki bhi agar apne ek bahir ka color hota hai ek andar cushion ka hota hai unka jo agar hum andar ki baat kare to andar jo seats hoti hain unka color maroon ho ya purple ho ki ye bahir ke color bhi ho sakte hain ye log puchhenge sawal mein dekhen pehli baat to ye hai ki purple car kaun karega color ye aap kisi bahre mulk mein hote hain jahan car jo hai purple rakhi ja sakti ki wahan koi masla nahi hota car itni koi zindagi ki badi cheez nahi hoti aam si baat hoti hai aise 1500 2000 mein purple rang le lo beshak ya aram se milti hai pakistan mein to zindagi lag jati hai aap logo car tak pahunchte to basically pakistan mein aap seatein purple kar le to better hai ya andar ke sheete meete lagwa le ya waise aajkal aaya hua cover karwane ka bhi riwaaj jo coated ye tinted wo hoti hai coatings wagaira bahut jadid aa gayi hai usme aap kar sakte hain ye color bahar inki jo experiment jo nature hai Sagittarians ki aur daring nature hai uske liye bahut acha hai ki agar inki gaadi ya inke wo color jo hai uske purple ho jaye ye open minded nature ke hote hain inko pleasant vibes chahiye hoti hain aur growth opportunities to wo inko purple se hi aayengi aur behtar hai ki purple car uske baad baat karte hain capricorn ke liye brown color ki car earth sign hai saturn rule karta hai brown color ki car inke liye theek hai brown color se वैसे अर्थ साइन होने की वजह से डिसिप्लिन होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं तो बेसिकली इनको भी ये ब्राउन कलर डिपेंडेबिलिटी देगा जो जो के इनको फोकस रहने में मददगार साबित होगी और इसी तरीके से ये जो ब्राउन कलर है ये भी पावर और परसिस्टेंस मुस्तकिल मिजाजी का वो माना जाता है और ये क्योंकि बड़े मिजाजन भी जिद्दी से होते हैं स्टबर्न से होते हैं तो इनके लिए ये बड़ा सूटेबल है अगर ये ब्राउन कलर की कार लेंगे तो इनको सूट करेगा एक्वेरियस के लिए पानी एक्वेरियस एक्वा से जैसे नाम से लग रहा है आपको इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो होता है वो इनके लिए बेसिकली अच्छा होगा और इसी तरीके से इनके अंदर की इनोवेशन और इनको क्रिएटिविटी और यूनिक जैसे कहते हैं ना फील जो चाहिए इनको क्रिएटिव और यूनिक फील देगी ऑन रोड और इसी तरीके से अच्छे नए आइडियाज और उनकी वाइब्स जो कि इनको चाहिए होते हैं और ये बहुत ज्यादा जो बिग सोचते हैं बड़ा सोचते हैं उसमें इनको तकवीयत मिल सकती है तो इनकी जो इनोवेटिव और जो जैसे कहते हैं ना अनयूजुअल सेंस होती है उसके लिए बहुत अच्छा है कि इनको इलेक्ट्रिक ब्लू कार्स एक्वेरियंस को सूट करेंगी उसके बाद पाइसिस की बात करें लास्ट एंड फाइनल तो पाइसिस के लिए सी ग्रीन कलर जो है सूट करेगा और ये इनके लिए लकी होगा अगर ये पहने भी सही तो और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये सेंसिटिविटी हीलिंग क्रिएटिविटी दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है और ख्याली पुलाव काइंडनेस ड्रीमीनेस बेसिकली और इसी तरीके से ये इनको एक काम और रिलैक्स फील देता है जैसे ठहरे हुए पानी की सी ग्रीन बेसिकली वो बीच साइड का पानी होता है जब आप मूवीज में देख रहे होते हैं तो कलर आपको नजर आ रहा होता है हल्का सा ग्रीनिश सा तो बेसिकली वो जो रिलैक्स फील है वो मिलेगी पाइसिस को अगर ये सी ग्रीन शेड में जो है वो कोई कार लेंगे इनको इमेजिनेशन और इनकी जो स्पिरिचुअल नेचर है उसके हिसाब से भी इनको ये सूट करेगा ये था बेसिकली इनके ज़ोडिक के हिसाब से इनकी कारों के कलर्स बिल्कुल अच्छा ये बताएं यहाँ पर अब लोगों ने गाड़ियां जिन्होंने खरीद ली हुई है अब वो चेंज नहीं कर सकते जारी बात है इतने पैसों की आती है तो वो लोग क्या करें उनके कलर अगर किसी का साइटेरियस है तो उसमें व्हाइट ली हुई है या किसी का पाइसिस है तो वो ब्लैक में फिर रहा है तो वो इस चीज को कैसे मैनेज करे अब वो चेंज भी नहीं कर सकता होता ये है कि पाकिस्तान में तो गाड़ी को गाड़ी हमें लेती है हम गाड़ी नहीं लेते बाहर मुल्क में तो गाड़ी कोई इतनी वैल्यूएबल नहीं है लोग अपनी खुद ही पेंट मार लें कुछ भी वो बेच दें कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं पहले से नए उधर गाड़ी से पहले 3-4 साल जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है बस उस 4 साल के फ्रेम से गई तो वो अब आपकी आम रेंज में आ गई सब बराबर
अब उसमें ये होता है कि वो बेसिकली वहां तो पूरी दुनिया है और उनके लिए टैक्सीज इतने नहीं है, वो अपनी कार का कलर भी ले सकते हैं, उनको कौन सा, यहाँ पाकिस्तानी तो वो कोटिंग करा के नहीं रखते, बस जैसे इसको इंटो पे रख लें कि जी बेचनी भी है, जिस दिन ले रहे हैं उस दिन पहले बेचने का जेन है और उसकी पहले बेचने की सोचे हैं कि हिफाजत करनी है और पूरी, और उस साइड से जब गाड़ी रखने पर तो कलर तो वाइट ही ये लोग ज्यादा वो करते हैं कि जी रीसेल है या ऐसी कोई कहानियां, शौक के कलर पाकिस्तानी तो बहुत कम ले पाए, ज्यादा नहीं मतलब बहुत जो अच्छे वेल्बिंग है वो तो करते हैं लेकिन आम लोग जो है वो नहीं ले पाते। कोटिंग करा लें, लैमिनेशन करा लें, आजकल तो बड़ी 3D और 4D पता नहीं कौन कौन सी आई हुई है, कोटिंग्स आई हुई है, और उससे गाड़ी भी महफूज रहेगी, शॉप कलर का भी पूरा हो जाएगा और रीसेल की फिक्र भी नहीं होगी, जब वो उतारेंगे अपना कलर वही नीचे वाला होगा और बेचते, तो ये दो तरीके हैं, बाकी सीटों पे कवर चढ़ा के एंजॉय कर सकते हैं इन कलर्स को, या आपने इर्द गिर्द वैसी कोशिश वोशिश में या साइडों में कोई भी डिजाइनिंग करके। चले बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपका बहुत बेहतरीन मतलब आज का टॉपिक था, और इससे पहले शायद ये एस्ट्रोलॉजिकल जो है चीजें इसके हवाले से बताई भी नहीं गई। तो नाज़रीन आपको टॉपिक कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो टॉपिक कैसा लगा अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद उसामा साहब को दी इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।